हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा तो ये सीन है कि देखिए, एक्चुअली यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा वाला तूफ़ान आया, आंधी तूफ़ान आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो मेन रोड पर एक बहुत बड़ा वाला पेड़ लगा हुआ था वो टूट गया, और उसके टूटने से क्या हुआ, बिजली की जो तारें थी वो भी काफ़ी सारी टूट चुकी हैं, तो लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब समझ लीजिए, रात से लाइट नहीं है यहाँ पर, नाइट से ही प्रॉब्लम चल रही है लाइट की। तो रात को लाइट नहीं थी, और सुनने में ये आया था कि बहुत ज़्यादा वाला नुकसान हो गया, तो 3-4 दिन तक शायद लाइट नहीं आए। तो इस वजह से हमने रात को फ़ैन भी नहीं चलाया, इन्वर्टर को रेस्ट पे रखा, क्योंकि काम के लिए तो इन्वर्टर चाहिए ही। हाँ, थोड़ा सा अपना रेस्ट ख़राब किया, लेकिन क्या होता है, लाइव वगैरह करनी होती है तो मुझे तो लाइट चाहिए होती है। और रात को नींद पूरी नहीं हुई, और मॉर्निंग में भी नींद पूरी नहीं हुई। उसका रीज़न ये था कि हस्बैंड को सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जाना था, हमारा जो मतलब हमारे खेत में गन्ना लगा हुआ है तो उसके लिए लेबर करी हुई थी, तो हस्बैंड को ट्रैक्टर लेके जाना था वहाँ पर। तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, और बच्चे तो चलो सो गए थे, लेकिन फिर हम लोग मॉर्निंग में ही उठे, और रात को तो नींद पूरी हुई नहीं, मॉर्निंग में भी नींद पूरी नहीं हो पाई, हस्बैंड चले गए सुबह 5 बजे। उसके बाद फिर मैंने सोचा, धूल मिट्टी इतनी हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो जब मैं उठी गई हूँ तो थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। मैंने फिर धूल मिट्टी सारी साफ़ की, डस्टिंग वगैरह की, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने बच्चों के लिए बना के रखा। फिर बच्चों को उठाया तो उसको, पावनी को भी, जैसे सृष्टि की तो छुट्टियाँ चल रही है, उसकी तो उसके स्कूल में ना बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी छुट्टियाँ हैं, लेकिन पावनी को जाना होता है। और पावनी का ये सीन हो गया कि वो पेड़ जो था ना, वो पूरी रोड उसने ब्लॉक कर दी थी, तो जो पावनी की बस आती है वो नहीं आई, आ पाई। और पावनी के पापा भी घर पे नहीं थे, तो वो भी अगर पापा होते तो वो छोड़ आते, तो पावनी की छुट्टी हो गई। पावनी को बल्कि सुबह सुबह नहला धुला कर रेडी करके भेजा भी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं था, बच्चे वापस आ गए थे वहाँ से, तो पावनी भी आ गई है। बस आज देखते हैं क्या होता है, और देखिए क्या होता है, क्योंकि मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा, तो और वाईफाई की आदत ऐसी पड़ गई कि उसके बिना गुजारा ही नहीं होता। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आपके साथ ब्लॉग तो बनाना ही है, ब्लॉग शेयर करना है आप लोगों के लिए, तो कुछ भी हो ये तो करना ही है ना, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। देखिए फ्रेंड, ये है 5:30 बजे का टाइम, और दिन निकल चुका है अच्छी तरह, ये देखिए हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, अभी निकली नहीं है लेकिन निकलने वाली ही होगी, और बड़ा अच्छा था सुबह सुबह, अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ कल आई थी आंधी, और आंधी आई है तो उसमें क्या हाल हो गया, ये सब देखिए, यहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो गई है पूरी, ये देखिए पूरी हर जगह मिट्टी मिट्टी ही है, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना कचरा आ गया घर के अंदर। इतना कूड़ा भर गया है जैसे रोड साइड हो गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आ गया उड़ के। फ्रेंड पावनी थी रेडी, और पावनी गई थी स्कूल के लिए रोड पर, वहाँ पर बस आती है इसकी, और लेकिन क्या हुआ, कल रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, और उसकी वजह से पूरी रोड जो है, पूरी सड़क पूरी ब्लॉक हो गई है, बहुत बड़ा वाला पेड़ जो है वो गिर गया है, और पूरी रोड ब्लॉक है, और साथ में थोड़ी सी वायर वगैरह भी, जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो भी गिरी हुई हैं, तो बस नहीं आ पाएगी इसकी, और बस क्या, वहाँ से बाइक तक निकलने का रास्ता नहीं है, तो कि पापा छोड़ाएँ या कुछ भी ऐसा भी नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। पामी आज आपकी छुट्टी हो गई, अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे अब। अच्छा, आपकी छुट्टी हुई, अच्छा हुआ कि नहीं? Oh,
तो देखिए फ्रेंड, बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं मेरे, और ना क्या लाइट तो आ नहीं रही है, तो लाइट नहीं आ रही है, और दूध पड़ा था काफ़ी सारा, तो दूध देखिए मैंने ना ये इसमें डाल के रख दिया है। ये खोया बन जाएगा धीरे धीरे, इसका खोया बना लेती हूँ क्योंकि शाम को फिर आ जाएगा, फिर रात को फिर आ जाएगा, दो बार दूध आएगा। और ये वाला जो है फिर मैंने कहा ख़राब हो उससे अच्छा है कि इसका यूज़ हो जाए। तो ये देखिए ये बन रहा है यहाँ पर खोया, और खोया बन जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा, पिन्नी वगैरह बन जाएगी, बर्फ़ी बना दूँगी, कुछ भी बच्चे खा ही लेते हैं। और देखिए बर्तन बिल्कुल क्लीन, बर्तन सब मैंने धोकर रख दिए हैं, ये बर्तन सारे, ये भी धुल गए हैं और ये भी धुल गए, सारे धोकर रख दिए। बॉटल सारी खाली पड़ी है क्योंकि फ्रिज बिल्कुल खाली कर दिया था मैंने, फ्रिज क्लीन किया है, डेली का हो गया यार, हर दूसरे तीसरे दिन फ्रिज क्लीन करके पूरा सब खाली करके क्लीन करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट जा रही है, मौसम ही ऐसा हो रहा है, मालूम नहीं मौसम सब जगह ऐसा हो रहा है कि सिर्फ यहाँ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइट तो आ नहीं रही जैसे कि आपको पता है, तो ये देखिए ये खीरे हो गए और ये टमाटर खरबूजा वगैरह हो गया, ये सब्जियां वगैरह हो गई, और ये थोड़े से मटर बचे हुए थे, बाकी तो मैंने बना ही लिए थे, सब्जी बना ली थी आलू मटर की। तो ये सब्जियां सारी धोकर, क्योंकि फ्रिज खाली किया है, फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन किया है मैंने, ये सब धोकर मैंने बाहर ही रख दी है। अब लाइट मालूम नहीं कब आएगी, तो ये बाहर ही रहेगा। तो मैं तो हस्बैंड को मना काफ़ी करती हूँ कि कम ही सब्ज़ी लाया करो, लेकिन वो जो है बहुत सारी सब्ज़ियाँ ले आते हैं और लाइट की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो मालूम नहीं कैसे होगा अब क्या होगा। चलिए फ़िलहाल तो धो धा के बाहर रखी है, बाहर हवा में फिर भी ठीक रहेगी, फ्रिज नहीं चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए हैं चावल का कट्टा, क्योंकि चावल ख़त्म हो गए थे और मैंने उनको फ़ोन कर दिया था चावल लाने के लिए, तो वो चावल लेकर आए हैं। और इस बार ये थोड़ा सा न्यू है कोई, जो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे वो शॉपकीपर, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो हस्बैंड कह रहे हैं पहले अभी यही बना लो, तो ये वाला बनाएंगे, फिर उसके बाद साथ में देखते हैं क्या बनेगा, जो भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी न्यू हो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के जो जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइट तो आ नहीं रही है, मालूम नहीं कब आएगी, जब भी आएगी तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय एंड टेक केयर।